नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ श्रुति झा और देख रहे हैं आप विजन। हर सुबह हम आपके लिए कुछ ऐसी पॉजिटिव खबरें लाएंगे जिससे आपका पूरा दिन अच्छा बीते। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की पॉजिटिव न्यूज से। कृष्ण नगरी मथुरा की एक कहानी जो आपको अंदर तक प्रभावित करेगी। नाम है सिकांतो मंडल, उम्र है केवल 16, पिता रिक्शा चलाते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इनकी कहानी है क्या, तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी को। श्रीकांतो ने एक मशीन बनाई जिसका नाम स्वच्छता कार्ड है, यानी जिससे बिना हाथ लगाए कचरे को उठाया जा सकता है। जी हाँ, आपको कचरा उठाने के लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। श्रीकांतो की यह मशीन विकास साइकिल से बनाई गई है। इस डिजाइन के लिए उन्हें जापान जाने का मौका भी मिला। साथ ही चर्चित फिल्म पैडमैन के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार और सोनम कपूर से 5 लाख रुपए भी मिले, और तो और इस आविष्कार के लिए उन्हें राष्ट्रपति सम्मान भी मिला। सिकांतो ने बताया है कि यह बात साल 2016 की है। उस समय मैं जय गुरुदेव संस्था स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। इस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। हम नीम के पेड़ के नीचे पढ़ते थे और पूरी साफ सफाई का ध्यान बच्चों को ही रखना पड़ता था। बच्चे कपड़े गंदे होने के डर से स्कूल की साफ सफाई में भाग नहीं ले पाते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कूड़ा अपने आप उठ जाए, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं पैसे खर्च कर पाऊँ। फिर मैंने इसे लेकर अपने एक टीचर से बात किया। उन्होंने मुझे डिज़ाइन को कागज पर बनाकर देने को कहा। डिज़ाइन से टीचर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने सिकांतो को स्कूल स्तर पर होने वाले इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अवार्ड क्या होता है। दरअसल इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। सिकांतो का मॉडल सबको बेहद पसंद आया और सिकांतो को मशीन बनाने के लिए 5,000 रुपये भी दिए गए और अंत में कबाड़ से मशीन बनाई गई। इसके बाद उन्होंने इस डिज़ाइन को लखनऊ में पेश किया और यहाँ चुने गए। 1 महीने बाद उन्होंने राष्ट्र प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और यहाँ टॉप 60 में सिकांतो के डिज़ाइन को चुन लिया गया। आपको बता दें, मशीन में कूड़ा बिनने के लिए एक स्पीकर लगा हुआ है। हैंडल के जरिए इसे आसानी से डंप किया जा सकता है। इसके अलावा मशीन में सफाई कर्मी झाड़ू, पानी और अन्य सामानों को भी रख सकते हैं। सिकांतो का मॉडल सबको खूब पसंद आया और सिकांतो को मशीन बनाने के लिए 5,000 रुपये भी मिले और अंत में कबाड़ से मशीन बनाई गई। इसके बाद उन्होंने इस डिज़ाइन को लखनऊ में पेश किया और यहाँ चुने भी गए। 1 महीने बाद उन्होंने राष्ट्र प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और यहाँ टॉप 60 में सिकांतो के डिज़ाइन को चुन लिया गया। आपको बता दें, मशीन में कूड़ा बिनने के लिए एक पिकर लगा है। हैंडल के जरिए इसे आसानी से डंप किया जा सकता है। इसके अलावा मशीन में सफाई कर्मी झाड़ू, पानी और अन्य सामानों को भी रख सकते हैं। सिकांतो बताते हैं कि जापान जाने से पहले उन्हें राष्ट्रपति भवन में 3 दिनों तक रहने का भी मौका मिला था। क्या आपने भी ऐसी चीज़ों के आविष्कार के बारे में सोचा है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार। तो ये थी इस खबर के पीछे की पूरी जानकारी। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन।